सुबह बखैर, सलाम इस सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, अच्छी खबर मेरे पास ये है कि शहर के ऐसे इलाके जिन्हें ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर सील किया गया था, उनमें से कुछ इलाकों जिनमें ताजपुरा है, रुस्तम पार्क है, शादरा है, स्मॉल इंडस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी है, उनको डी सील कर दिया गया है क्योंकि इन इलाकों में मजीद केसेस रिपोर्ट नहीं हुए और इन इलाकों के कुछ मरीज भी सेहतयाब होकर वापस घरों को लौट आए हैं। लेकिन फिर भी कहना मुझे आपसे ये है कि बेशक अब लॉकडाउन में कुछ नरमी होने जा रही है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वबाई सूरत हाल खत्म हो गई है या फिर वबा से हमारी जान छूट गई है। एसओपीज पर अमल दरामद भी करना होगा और सामाजिक दूरियां भी इख्तियार करनी होंगी ताकि आने वाले वक्त में हम किसी भी नुकसान से बच सके। लॉकडाउन में नरमी तो होगी, कौन कौन से सेक्टर खुलने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जानिब से क्या क्या प्लानिंग की जा रही है। जुज़वी लॉकडाउन में आवाम की गैर संजीदगी की अगर बात करें तो वो खत्म नहीं हो पा रही। सड़कों पर ट्रैफिक का रश दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। डिटेल्स क्या है जाहिद आबिद की रिपोर्ट में देखते हैं। कोरोना से बचाव के लिए जुज़वी लॉकडाउन बरकरार, महदूद रहें महफूज रहें का नारा मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। शहरियों ने भी लॉकडाउन खत्म होने का ना किया इंतजार, शहर की सड़कों पर निकलने पर इसरार। अहम शहराओं पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां, डबल सवारी और गाड़ी में जायद सवारियों पर आयद दफा 144 की पाबंदी के खिलाफ वर्जियां। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहर्रिक, अहम शाहराओं पर नाकाबंदी, शहरियों की चेकिंग करने लगे। अवाम को इस मुश्किल वक्त में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और आज खुद पाबंदियों के तहत कुछ अरसे तक जिंदगी का पहिया चलाना होगा तो ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। कैमरामैन इकराम शाह के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। नाजिर, रिपोर्ट आपने देखी है कि किस तरह से शहरियों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। यकीनी तौर पर ये आपके लिए खतरनाक होगा। उसके बाद खुदा ना खास्ता कल को कोई भी संगीन सूरत हाल हो जाती है तो हम और आप बिल्कुल भी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलसल जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो भी आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने मीडियम के थ्रू आपको बता रही है कि एसओपीज पर अमल दरामद जरूर करें। अगर जरूरी है तो जरूर घर से बाहर जाइए, अपना जरूरी काम करिए और घर वापस आ जाइए, लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो प्लीज घर से बाहर ना जाएं। बहुत सारे तो ऐसे लोग जी, बच्चों का घर पे दिल नहीं लग रहा तो कहीं भी जा रहे हैं तो बच्चों को भी बाइक पर साथ बिठाया और चलो जी, इनको भी लॉकडाउन की सूरत हाल दिखा रहे थे। तो प्लीज इस तरह की जो आदत है उनको तर्क कर दीजिए। पहले भी प्रोग्राम में मैं बात कर चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगी कि बुरा वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि उस बुरे वक्त में भी हमारे लिए कम से कम कुछ अच्छी यादें रह जाएं कि हमने कौम होने का सबूत दिया था और वबा से अपनी जान छुड़ा ली थी। खैर, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, बताइएगा, लोगों की संजीदगी तो दिन ब दिन कम होने की बजाय लॉकडाउन को लेकर बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, इसे लोगों की गैर संजीदगी कह लें या मजबूरी कह लें, लेकिन ये हकीकत है कि सड़कों पर जो रश है वो ना हुकूमत चाहती है ना तिब्बी माहरीन चाहते हैं कि इस किस्म का रश और इस किस्म की चहल पहल और सरगर्मी सड़कों पर नज़र आए, मार्केटों में नज़र आए। तो आवाम ज़रूर सड़कों पर मौजूद है, पुलिस अपनी जगह कार्रवाई कर रही है, ट्रैफिक वार्डन अपनी जगह कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो मजमूई रिजल्ट निकल रहा है वो यही है कि आवाम की तादाद मसलसल बढ़ती जाती है। अब सुबह का भी वक्त है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर हमें काफ़ी रश नज़र आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, अफ्तारी की तरफ हम चलते जाएंगे, ख़रीदारी बढ़ती जाएगी, तो ये रश मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें आवाम से अगर बात करें तो उनके पास बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बाकायदा कोई जवाब होता है बाहर आने का। कोई कहता है कि मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कोई कह रहा मैं दुकान पे जा रहा हूँ, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं जो कहते हैं मैं खाला के घर जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं चाचा के घर जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो ये एक रवैया, अमूमी रवैया जो है वो बिल्कुल एक मौजूद है और हुकूमत इसी की हौसला शिकनी करना चाहती है। हुकूमत ये नहीं कहती कि आप घरों से ना निकलें, क्योंकि अगर घरों से ना निकालना होता तो उसका हल तो कर्फ्यू था, लेकिन हुकूमत उस वो नहीं करना चाहती है। हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि गैर ज़रूरी तौर पर अगर काम नहीं है तो आप घर में रहें, चाहे आपका दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, एक मजबूरी समझ के चंद दिन घर में गुजार लें और बिला वजह सड़कों पर ना आए। लेकिन थोड़ा सा इसके मुतजाद हमें सूरत नज़र आती है सड़कों पर। जाहिद आबिद, ये भी बताइएगा कि लाहौर के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिसमें शादरा भी है, रुस्तम पार्क भी है, जिनको खोल दिया गया है, डी सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर मजीद कोरोना के केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं।
जी बिल्कुल, जब सील किया गया था तो इंतजामिया की तरफ से यही कहा गया था कि चूंकि एक गली से या एक घर से ज़्यादा मरीज निशानदेही हो रही है, तो इस वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द जो घर हैं या गलियां हैं वहाँ पर भी एक स्क्रीनिंग कर अमल मुकम्मल कर लिया जाए। उसमें कोई उनको कोई सज़ा देना या कोई और नहीं था, सिर्फ ये होता है कि स्क्रीनिंग कर ली जाए उस तमाम जगह की। तो वो स्क्रीनिंग मुकम्मल होती जाती है जैसे जैसे तमाम गलियों की, मोहल्लों की, उन घरों की, तो उनको डीसील करना शुरू कर दिया था। तो यही सूरत अब हमें नज़र आ रही है कि जो 15-14 इलाके सील किए गए थे उनमें से अक्सर इलाके खोल दिए गए क्योंकि वहाँ लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, अक्सर जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। तो इस हालात में ये हमें सूरत नज़र आती है। इस वक्त हम इलामा इकबाल रोड पर मौजूद है। अगर मैं यहाँ की आपको सूरत दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक है जो कि गड़ी शाऊ से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह मौजूद हैं। एक मोटरसाइकिल हमें नज़र आ रहा है जिसपे एक साल का बच्चा और उसकी वालदा भी उसके मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलफ आप रश ज़रा देख सकते हैं कि ये लॉकडाउन, अगर इसे लॉकडाउन कहते हैं तो यकीनन इसका कोई मायने या तो बदलना होगा या इसके कोई अल्फाज बदलने होंगे। और ये सूरत सिर्फ एक इशारे पर या एक जगह पर नहीं है, जहाँ पर भी इशारा है यहाँ पर भी ट्रैफिक रुकती है, किसी किस्म की सूरत हमें नजर आती है। और यकम में भी ठीक है, आप मंजर कशी भी अच्छी खासी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमें फुटेजेस भी दिखा रहे हैं। अब हमें ये भी बता दीजिए कि इंतजामिया की जानिब से, इदारों की जानिब से क्या कुछ ऐसे इलाकों की निशानदेही भी की गई है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है? सिर्फ जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पर यह सूरत देखने में आती है कि वहाँ पर चूंकि पुलिस नाके ज़्यादा मौजूद होते हैं तो वहाँ की तरफ लोग कम रुख करते हैं, लेकिन उसके अतराफ में जो सड़कें होती हैं, जो शाहराहें होती हैं, वहाँ पर वही सूरत हाल है। चाहे वो कोई बहुत पढ़े लिखे इलाके हैं, चाहे गुंजान आबादी है, तो हर जगह सूरत हाल एक जैसी है, लोग एक जैसे ही हैं। अब एक और चीज़ जो सामने आ रही है, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की बातें की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ इसी में वफ़ाकी वज़ीर तालीम ने चारों सूबों से मशावरत की थी तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से, क्योंकि ये बात की जा रही थी कि 1 जून से खोल दी जाएँ चंद हफ्तों के लिए, उसके बाद दोबारा बंद कर दी जाएँ। तो उसमें पंजाब की जानिब से जो मौका अख्तियार किया गया है, उन्होंने इन इदारों को ना खोलने की दरख्वास्त की है वफाकी हुकूमत से, और सिर्फ अगर खोलने भी है तो यूनिवर्सिटी की सतह पर इदारे खोलने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और शहर की क्या सूरत हाल है जुज़वी लॉकडाउन में, लोगों के क्या रवैये हैं, क्या करने की जरूरत है, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट भी कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताना है जी, कोरोना खदशात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलाने की तजवीज़ दी है, जबकि पंजाब कौमी राबता कमेटी में छोटे बड़े कारोबार SOPs के साथ महदूद वक्त के लिए खोलने की तजवीज़ भी दी जा रही है। इसी बारे रिपोर्ट करेंगे लियाकत अंसारी। लॉकडाउन में तौसी और बाज़ इकदामात में नरमी का मामला, कौन सा कारोबार खुलेगा और किस पर पाबंदी बरकरार रहेगी, सूबों ने सिफारिशात तैयार कर ली। कौमी राबता कमेटी के जुमेरात के रोज वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले इजलास में अहम फैसले होंगे। पंजाब समेत तमाम सूबे 9 मई के बाद लॉकडाउन के हवाले से अपनी सिफारिशात देंगे। कोरोना खदशात के पेश नजर पंजाब हुकूमत ये तजवीज देगी कि अब भी इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखा जाए। पंजाब का मौकफ है कि मौजूदा हालात में ट्रेन सर्विस और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खतरनाक होगी। हुकूमत पंजाब मार्केट्स को जोन वाइज मखसूस अयाम और औकात के तहत खोलने का इरादा रखती है। पंजाब की तजवीज है कि मुख्तलिफ जोन की मुख्तलिफ मार्केट्स को मुख्तलिफ दिनों में खोलने की इजाजत दी जाए। जिन बाजारों को खोलने के लिए इजाजत दी जाए उनके लिए औकात कार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे रखे जाए। हुकूमती शराइत और जाब्ता अखलाक पर अमल दरामद मार्केट के सदर और ताजिर तंजीम की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह ज्यादा केसेस वाले इलाकों में सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। ताहम कम केसेस वाले शहरों में हुकूमत पंजाब ज्यादा कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत की तजवीज देगी। तालीमी इदारों के हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने सिफारिश तैयार कर ली। पंजाब की तजवीज है कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तातीलात को अभी मजीद जारी रखा जाए। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। ताज़ी रिपोर्ट आपने देखी है। लॉकडाउन में नरमी के हवाले से मजीद कौन कौन सी तजावीज पर गौर किया जा रहा है इस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नासिर, लॉकडाउन में जब भी नरमी की बात की जाती है तो यकीनी तौर पर तालीमी इदारे खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब तजावीज ये जेरे गौर हैं कि 1 जून के बाद भी तालीमी इदारों को बंद ही रखा जाए, जबकि ये भी सोचा जा रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज को खोलने की इजाजत मिल जाए। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से विफाक को क्या क्या सिफारिशात पेश की गई हैं, किस तरह से तालीमी इदारों को खोला जाएगा, अगर खोला भी जाएगा तो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज। आतिफ, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, हमें ये बताइए कि क्या तजावीज पेश की जा रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से विफाक। जब ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का आखिरी जो स्कूलों और तालीमी इदारों के हवाले से जो इजलास हुआ था और जो नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें तो ये कहा गया था कि 1 जून से जो है वो मुल्क भर के तालीमी इदारे, जो वो पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो या KPK हो, उनमें ये तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि अब सूरत हाल नज़र आ रही है कि दिन ब दिन जो है वो कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो ये एक तरफ प्राइवेट स्कूल जो है उनकी तरफ से नोटिसेस जारी करना शुरू कर दिए गए थे कि 1 जून से जो है वो तालीमी इदारे खुल जाएंगे और हुकूमत के ऐलान के मुताबिक। लेकिन कल जो है वो जो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ जिसकी सदारत जो है वो फाकी वज़ीर शफकत महमूद ने की है, उसमें जो है तमाम सूबों ने अपनी इनपुट दी और अपने अपने सूबे के हालात को देखते हुए जो तजावीज़ दी हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो इसमें वज़ीर तालीम स्कूल मुरादराज और आला तालीम के जो मिनिस्टर हैं राजा यासिर हमायो, उन्होंने अपनी इनपुट दी और अपने अपने इदारों के हवाले से बताया। तो जो पंजाब में दोनों वज़रा की तरफ से इस बात पर कंसेंसस था कि जो पंजाब में अब सूरत हाल कोरोना की है, इसको देखते हुए तालीमी इदारे फौरी तौर पर खोलने नहीं चाहिए, और जो छुट्टियां हैं कोरोना की वजह से हुई थी इसको जुलाई तक जो है वो बढ़ा दिया जाए। में जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं वहां तक जुलाई तक, वो तो जाती हैं अगस्त 15 अगस्त तक, लेकिन जुलाई यानी कि जून के बाद जुलाई तक जो है वो इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है और दूसरी हमने ये भी देखा कि गर्मी की इंतहा होगी आते गर्मी की, वो तो इसके साथ इन्होंने कोई अल्टरनेट रखे हुए थे कि अगर हम सुबह में कोई 7 बजे क्लास शुरू कर दें और फिर 11 बजे तक क्लास कर दें और ड्यूरेशन कम कर दें, कोई एक दिन एक क्लास बुला लें, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा था। लेकिन कल जो ये हुआ है कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से 1300 मरीज जो है मुल्क भर में रोज़ाना की बुनियादों पर देख रहे हैं, तो इसको देखते हुए फिर जो है ये पंजाब की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है कि छुट्टियों में इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ और भी जो मामलात थे जिनमें खसूस तौर पर 9वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तहान थे, तो इस हवाले से जो हायर एजुकेशन की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि अगर आप जून में लॉकडाउन को नरम करते हैं तो फिर हम ये 9वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तहान जो हैं वो मुनक्किद कर सकते हैं 1 माह में। लेकिन अगर इसको जुलाई में लेके जाते हैं लॉकडाउन को, तो फिर जो है वो ये मुश्किल हो जाएगा तीनों इम्तहान मुनक्किद करना, क्योंकि टीचर्स भी वही हैं जिन्होंने इम्तहान में ड्यूटियाँ देनी है, और उसके साथ साथ फिर दूसरी सरगर्मियाँ भी शुरू हो जाती हैं क्योंकि एडमिशन का सिलसिला शुरू होता है। तो ये 1 माह में 3 जमातों के इम्तहान मुनक्किद करना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। इसके साथ साथ चारों सूबों ने यह भी तजवीज़ दी है कि अगर प्रैक्टिकल मुनक्किद ना किए जाएँ, इसके साथ 9वीं और 11वीं के इम्तहान मुनक्किद ना किए जाएँ, और अगर प्रैक्टिकल के नंबर देने तो वो पिछली जमातों के नंबरों को देखते हुए जो थ्योरी के हैं उसके मुताबिक प्रैक्टिकल के इम्तहान दे दिए जाएँ और नंबर दे दिए जाएँ। तो ये जो तजावीज़ हैं जो पंजाब की तरफ से दी गई हैं, और जिसमें KPK ने मुखालफत की थी कि तालीमी इदारे फैसला मतवक्के आज अब कल जो इजलास हुआ है उसमें तमाम सूबों ने अपनी इनपुट दे दी है, तजावीज़ दे दी हैं। अब कल कोई फैसला तो नहीं हो सका, इसका फैसला नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में होगा, वो सारी सूरत हाल और तजावीज़ को उसका जायजा लेगी और कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए नरमी के हवाले से भी और स्कूलों के भी हवाले से इकट्ठा ही फैसला किया जाएगा। अच्छा आतिफ, मुझे ये बताइए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल पे तो गवर्नमेंट की चलेगी ही, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उनके जो मालिकान है, जो उनके एसोसिएशन है, उनसे भी बात हुई है, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है, उनकी जानिब से क्या तजावीज़ दी जा रही है कि क्या होना चाहिए? देखिए, अगर निजी स्कूलों की बात की जाए तो उनमें थोड़ी सी कश्मकश पाई जा रही है, तशवीश पाई जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हमें जो है फीसें नहीं मिल रही, और 1 जून से जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने बच्चों को नोटिफिकेशन और नोटिस भेजना शुरू कर दिए कि 1 जून से स्कूल खुल जाएंगे। ठीक, लेकिन कल की सूरत हाल के बाद जो है वो एक कुछ वजाहत आई है, अभी मुकम्मल वजाहत नहीं है कि इशारा दे दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, छुट्टियों में इजाफा हो सकता है। तो प्राइवेट स्कूल वाले तो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है स्कूल खोले जाएं 1 जून से, क्योंकि उनके पास अखराजात नहीं है, अगर
हुकूमत चाहती है कि लॉकडाउन में इजाफा किया जाए तो फिर इस सेक्टर को भी जो है वो कोरोना रिलीफ में शामिल किया जाए, किरायों में जो है वो छूट दी जाए, कर्ज दिए जाएँ, जो असाज़ा की तनख्वाहें हैं उनमें भी जो है हुकूमत सपोर्ट करे। तो इस तरह की तजावीज़ जो है वो निजी शोबे की तरफ से दी गई हैं, लेकिन इनको जो है वो मशावरती जो इजलास हैं उनमें नहीं बुलाया गया, उनसे इनपुट नहीं दी गई, बुलाया गया। हालांकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्राइवेट स्कूल्स पर मुश्तमिल है, प्राइवेट इदारों पर मुश्तमिल है। ये हमेशा गिला रहता है निजी शोबे का कि हुकूमत जो है वो फैसले कर लेती है और फिर उनको बताया जाता है कि ये फैसला हो चुका है, आपने इस पर जो है अमल दरामद करना है। जब ये फीसों में कमी का मामला था तो इस पर भी जो है हुकूमत की जानिब से पहले ऐलान कर दिया गया कि 50% जो है वो फीसों में कमी की जाएगी 2 माह के लिए, लेकिन फिर हमने देखा कि निजी शोबे के जो स्कूल हैं उनकी तरफ से जो रद्द अमल आया। आतिफ, ये बताइए कि ये स्कूल पर तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या तमाम तालीमी इदारों पर होगा, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज पर भी यही जो भी फैसला होगा इम्प्लीमेंटेशन होगी या फिर उनको खुलने की इजाज़त कुछ मिल सकती है? देखिए, ये इस हवाले से पहले ही जो हायर एजुकेशन कमीशन कह चुका हुआ है कि अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो ऑनलाइन क्लासेस को जो है वो उसकी जो है बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो सरकारी यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज में करंटीना सेंटर बनाए हुए हैं, हाँ, तो वहाँ पर मरीजों को रखा गया, बंद किए गए, हाँ, तो ये चीज को भी देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटियाँ कैसे खुलेंगी अगर वहाँ पर मरीज रखे गए हैं। लाहौर में भी जो काला शाह कैंपस है वहाँ पर जो हॉस्टल से वहाँ है, पिंडी में जो है फातिमा जिना यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के हॉस्टल्स में जो है करंटीना सेंटर बनाया गया और वहाँ पर मरीज रखे भी गए, उनको ठहराया भी गया। तो ये सूरत हाल देखते हुए ही फैसला किया जाएगा। और कल जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी तजावीज़ में यही कहा है कि हमें इस अगर करंटीना अगर ये कोरोना की सूरत हाल ऐसा है तो 2 महीने भी अगर छुट्टियों में इजाफा किया जा सकता है तो करें इसको, क्योंकि तलबा की और असाज़ा की जो सेहत है वो अवलीन तरजीह है। तो ये सूरत हाल है कि दोनों जो स्कूल एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है दोनों ने यही कहा है कि अगर आप कोरोना की वजह से छुट्टियों में इजाफा करना चाहते हैं तो कर लें, इसमें कोई मसला नहीं। स्कूल के निजी शोबे को तो साथ नहीं मिलाया गया, तो क्या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के निजी शोबे को बुलाया गया है सिफारिशात के लिए? उस तरीके से जो कॉलेजेस हैं, जो बड़े कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस तरीके से मुतासर नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने सेमेस्टर की फीस ले ली होती है पहले, तो उनको इसमें अभी अगर ये प्रोलोंग करती है सिचुएशन तो फिर वो मुतासर होंगे। लेकिन अभी वो भी रहे हैं ना, उनके भी जो पूरे कोर्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो उस तरीके से यानी मुतबादल निजाम तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो हो रहा है और अभी भी बहुत सारे तलबा की जानिब से इस पर शिकायत आ रही है कि जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमारे साथ मौजूद रहे। फाइनल फैसला जो है वो यकीनी तौर पर कौमी राबता कमेटी का इजलास के बाद सामने आएगा कि लॉकडाउन में कैसे नरमी होगी और तालीमी इदारों के लिए क्या SOPs तय किए जाते हैं या फिर क्या फैसला सामने आता है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है और टोटल केसेस की तादाद पूरे पाकिस्तान में 23,655 तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर की बात की जाए तो 3,210 कंफर्म मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, दिन ब दिन टेस्ट ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हों, उनको बाकी नॉर्मल लोगों से आइसोलेट कर दिया जाए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट अस्पतालों में यकीनी तौर पर पहले दिन से हम बात करते आए हैं कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारी एक आबादी में अगर कोरोना वायरस की तशखीस हो गई तो वो उस सिस्टम जो है वो लोगों को संभाल सके या फिर किसी भी तरह का बोझ बर्दाश्त कर सके। इसीलिए अब गवर्नमेंट की जानिब से कुछ तजावीज जेर गौर भी हैं कि होम आइसोलेशन का ऑप्शन है। बहुत सारे लोग जिनके बड़े घर हैं, उनके पास ज्यादा कमरे मौजूद हैं, उनमें अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो ये चाह रहे हैं कि वो अपने घर में खुद को आइसोलेट कर लें। क्या SOPs होंगे, कब तक इसका फैसला हो जाएगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर अजीमुद्दीन साहब हैं, चेयरमैन हैं कोरोना रिलीफ फंड के, हैं PMA के मेंबर भी हैं, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर में हूँ सज्जाद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सज्जाद साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि क्या क्या SOPs तय किए जा रहे हैं होम आइसोलेशन के हवाले से। होम आइसोलेशन अभी गर्चे उसका फाइनल नोटिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन जो चीज़ें बज़ाहिर उस सिलसिले में जो ज़रूरी होंगी, एक तो ये कि जिसका भी होम आइसोलेशन करना है उसके घर में इतनी जगह होनी चाहिए
कि वो वहाँ पे अलग एक कमरा उसी मरीज के लिए मखसूस हो, तो उसके लिए कम अज़ कम 4 कमरों का अभी तक जो मैार तय किया गया है, उसमें भी पहले ये किया जाएगा कि एक बाकायदा एक टीम होगी जो कि उस घर को पहले जाके उसका मुआयना करेगी और फिर उसको देखेगी कि यहाँ पे ये काबिल अमल है भी होम आइसोलेशन या नहीं है, और फिर उसके बाद उसकी कुछ शरायत होंगी जो उस मरीज़ के साथ पहले से तय की जाएंगी, बल्कि उसको सिखाया जाएगा कि आपने उसी कमरे में रहना है, फिर ये कि उसको अटेंड करने के लिए वहाँ पर कोई उसका रिश्तेदार अजीज़ घर में कोई भी जो उसके साथ रब्ता रखेगा, खाना पीना देना वगैरह, कमरा जो उसकी कपड़े वगैरह की मुहैया करने, तो ये सब चीज़ें डिटेल्स तय की जाएंगी और उम्मीद है कि एक आध दिन में ये मामला जो है वो अपने शक्ल सूरत जो है इसको आखिरी शक्ल सूरत मिल जाएगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने तो मैंने सुना है कि उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है, होम आइसोलेशन की इजाजत दे दी है। सज्जाद साहब विफाक तो इजाजत दे चुका है, जफर मिर्जा साहब जो हैं वो बाकायदा बर्मला कह चुके हैं कि होम आइसोलेशन का ऑप्शन मौजूद है और हमने सूबों को भी इजाजत दे दी है, वो की जा सकती है, लेकिन अभी तक काफी रोज हो गए हैं, इस पे अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पाया? क्या इंतजार किया जा रहा है कि अस्पतालों को बोझ बहुत ज्यादा आ जाए फिर इस ऑप्शन को दिया जाए लोगों को? शायद सिदरा शाह से ज़्यादा वो शाह के वफ़ादार का एक मुहावरा आपने सुना होगा। मुझे अफसोस है कि सुबह खुद मुख्तार हैं कोरोना के लिहाज से और बहुत सारे मामला आते हैं, इस वक्त जैसे कि वफाक कह चुका है लेकिन इन्होंने मंजूरी के बावजूद जो है दोबारा जो है वो कोर्ट गेंद जो है ना वफाक के कोर्ट में फेंक दी है और उनसे इजाज़त तलब की है कि हम होम आइसोलेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दें या ना करें। ये तो वही बात हुई कि आप सरकारी चिट्ठी डाल दें तो उसका जवाब कैसे कब आता है, ये हैरानगी की बात। और जहाँ तक लखवी साहब बता रहे थे कि होम आइसोलेशन के SOPs तय किए जाएंगे, ये मैं इसे इत्तफाक नहीं करता। जिस तरह आपने लॉकडाउन खोल दिया है, अब आप एक दो हफ्ते देखें क्या होता है, मैं नहीं समझता इतनी मारामारी होगी। मैं डराता नहीं, मैं आपको पता है खुशखबरी भी सुनाता रहा हूँ, लेकिन मसला कितनी मारामारी होगी, आपकी कोई टीम किसी के घर जाके मायना नहीं करेगी, उसके कमरे नहीं देखेगी, कुछ नहीं देखेगी, वो कहेगी खुदा दा वास्ता तू कार चले जाते हैं कोरोना है तो तुझे अपने कार जाके, यानी यहाँ तक हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो कहेगा इससे इसकी फैमिली को लग जाए हमें क्या, लेकिन इधर से चले जो हमारे पास बेड मौजूद नहीं। प्रोफेसर साहब, ये सज्जाद कासमी साहब हर अस्पताल में भी तकरीबन मौजूद होते हैं, हेल्थ के रिपोर्टर हैं, एक एक चीज से वाकिफ है, इनको ये तमाम खदशात आने वाले वक्त में नजर आ रहे हैं, तो क्या माहिरीन को ये खदशात दिखाई नहीं दे रहे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखें, इसमें ये कुछ जो हमारे माशरती अकदार हैं और जो रवैये हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। काजमी साहब की जो एक्सपर्टाइज हैं बतौर रिपोर्टर और हेल्थ रिपोर्टर के, वो मुसल्लम हैं, इसमें बहुत सीनियर हैं और इनकी इंसाइट भी बहुत ज़्यादा है इन सारे मामलों में, लेकिन ये जो चीज़ जिसका उन्होंने पॉइंट आउट किया है इसका ताल्लुक हमारे अपने रवैयों से है कि हमारा मुआशरा रवैये तो हमने जज़्बी लॉकडाउन में देख ही लिए हैं, क्या गैर संजीदगी लोगों की तरफ से यही कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन ये कि ये एक उसको कहना चाहिए कि हस्पताल में जब एक मरीज आता है तो वो क्योंकि फिर उसको अलहदा रखा जाता है और आमतौर पर हस्पतालों के कमरों में ही रखे जाते थे, तो उनके लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना कि एक ही कमरे में वो दिन रात गुजारें और 10-15 दिन गुजारें, ये बड़ा मुश्किल था। होम एटमॉस्फेयर में वो कम से कम खुद इत्मीनान से तो रह सकता है और उसका जो उसके जेहन पे जो प्रेशर होता है बीमारी का वो कम होगा और उसकी जो होम एटमॉस्फेयर होती है उसमें फिर भी वो कंफर्टेबल होता है। मरीज का तो सोच लिया है आपने, उनका तो सोचा है कि वो जल्दी बेहतर हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। अब हमें ये बताइए कि इसके अनकरीब आपने कहा है कि एक मुकम्मल शक्ल वज़े हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, खास कमेटियां बनेगी जो मरीज को मॉनिटर करेंगी, घरों को जाके देखेंगी? जी, उसमें तो कुछ जो हमारे साइंसी गैजेट्स हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लिए जाएंगे उसका, अगर वो मरीज़ वाकई अपने आप को मरीज़ समझता है, वो हुकूमत की आंखों में कोई धूल नहीं फेंकना चाहता। ये तो वतीरा है हमारे लोगों का, लेकिन ये देखें ना, इतनी उम्मीद ना रखें। नहीं, वो इसलिए है कि फ़र्ज़ करें उसको अपने घर वालों की ज़िंदगी तो कीमती मालूम होगी ना, उसको
अपने बाल बच्चे अजीज होंगे, अपने वालदैन अजीज होंगे, तो हम ख्याल करते हैं कि अजीज होते तो लॉकडाउन कामयाब होता। काजमी साहब, ये पूरी दुनिया के रवैये हैं, हम सिर्फ, मैं अपने लोगों को ब्लेम नहीं करती, मैं खुद को नहीं करती, ये पूरी दुनिया के हम लोग रवैये देख रहे हैं कि जो मगरबी ममालिक हैं जिन्हें हम लोग बहुत उनकी मिसालें देते हैं कि वो महजब माशरे हैं, वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी रोड्स पे निकल रहे हैं कि भाई अब लॉकडाउन को बंद करो, खत्म करो, हमें घरों से बाहर आना। ये बात ठीक है कि इंसान की फितरत है कि वो कैद को पसंद नहीं करता। तो फिर इदारे जबरदस्ती, मैंने तो कहा था कि कोरोना ने बहुत सारे सियासतदान निकालने हैं क्योंकि लोग कैद के आदी हो गए हैं और सियासतदान के बारे में मशहूर है कि वो ज्यादा कैद काटे तो वो बड़ा सियासतदान बन जाता है, जैसे जुवेद हाशमी और दीगर की मिसाल आपके सामने, तो आशिक बड़े लीडर बन गए। अच्छा, अब होम आइसोलेशन का हमें बताएं। होम आइसोलेशन का सिद्रा, मैं कोई कमेटियां बनेंगी क्या, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन इनकी, लखवी साहब पीएम है कि चूंकि लीडर है, इनकी दरख्वास्त रही है, ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने इशू ये उठाया कि होम आइसोलेट किया जाए। मेरा स्टार्ट से पहले दिन से मुतालबा था, जब एक फैमिली डॉक्टर, उसकी बीवी भी डॉक्टर और उसके बच्चे भी, जब मैं वो हॉस्पिटल में आइसोलेशन में लाए गए तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप, मेरे पास बजट भी है और मेरे पास एक अच्छा घर है, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मरीजों से अगर मुझे लग गया तो मुझे रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे होम आइसोलेट कर दिया जाए, हम पढ़ी लिखी फैमिली हैं। तो गवर्नमेंट, मैंने जब एडवाइजरी ग्रुप से दरख्वास्त की तो उन्होंने कहा ये वायरस पढ़े लिखे लेके आए हैं, ये पार्टियाँ करते थे, ये करते थे, मैं और आप जहाज में नहीं बैठते, ये मुल्कों की सैर करते हैं फलां। उन्होंने गुस्सा जो था निकालना था, चूंकि ये इसको गरीब की बीमारी नहीं करार दिया जा रहा, ट्रैवलिंग करके ये तो अमीर की तरफ इसका इशारा है। मौजूदा सूरत हाल में आइसोलेट बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसके हक में हूँ आइसोलेशन होने, लेकिन जो बात हो रही है कि मायना अगर आपने उसके घर का, एक बंदे का एक मरले का मकान है, दो मरले का मकान है, उसी में उसके बच्चे बीवी एक कमरे के अंदर रह रहे हैं, तो उसकी भी कोशिश होगी, मैं नहीं समझता कि वो उसकी कोशिश होगी, घर जाऊं किसी तरीके से, मैं कर लूंगा मैनेज, मैं छत पे रह लूंगा, मैं फलां रह लूंगा, बच्चे उधर भेज दूंगा, इधर भेज दूंगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी वायलेशन होगी। लेकिन इसका हल यही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब 10 तारीख को अभी भी बाजार खुल चुके हैं, ये वैसे ही है कि लॉकडाउन नरम हो रहा है, नरम हो चुका है, खत्म हो चुका है, कोई रोकथाम नहीं है, मैं इल्जाम नहीं लगाता पुलिस पे, बाजारों के अंदर खड़ी है। पीएम ने मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है, डॉक्टर्स बारहा अपील कर चुके हैं गवर्नमेंट से कि लॉकडाउन में नरमी ना की जाए, मामला बड़ा बिगड़ जाएगा, आप इसी के हामी रहे, तो फिर क्या हो रहा है माहरीन? देखो, हमने ये चूंकि बीमारी बिल्कुल नई है, हमें इसका बिल्कुल इस तरह से इलम नहीं है जैसे बाकियों बीमारी का होता है, जिसने इतने अरसे में फैलना है, इतने अरसे में इसका कंट्रोल हो जाना, हम दूसरे मुल्कों से ये सबक सीख रहे हैं जहाँ पे ये बीमारी हमसे पहले आई है, और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में ये उस तरह से नहीं फैली जिस तरह इंग्लैंड में फैली है या इटली में फैली है या अमेरिका में। क्या हम इस खुशफहमी में आ जाएं? नहीं, क्या फिगर्स जो हैं वो बताती हैं, मुंह बोलता सबूत है जो फिगर्स है। अब अगले दो हफ्तों का भी फिर बताना है आपको, बताता हूँ इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड या फिर हम ये मान लें कि सच में हम बच गए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना ही डॉक्टरों के कंट्रोल में है, ना इसमें यकीनन अल्लाह ताला का फजल करम शामिल है। बेशक इंग्लैंड जो है, बरतानिया, उन्होंने 2016 में एक एक्सरसाइज की थी, सिग्नस एक्सरसाइज, के बीमारी इस तरह की फ्लू आए तो हमने इसको कैसे डील करना, और पूरी उन्होंने एक मुल्की लेवल पे ये एक्सरसाइज की। फिर पिछले साल उन्होंने इसको रिपीट किया, और फिर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि जनाब हम बतौर कौम कोई भी इस तरह की बीमारी है, इन्फ्लुएंजा कोरोना वायरस टाइप बीमारी, तो हम बिल्कुल तैयार हैं उसका मुकाबला करने के लिए, और आप देख लें कि वो उनको ऐसे पकड़ा उस बीमारी ने कि वो देखते रह गए, और यानी दूसरे नंबर पे है इस वक्त अमवात की शरह के लिहाज से बरतानिया जो, और हम तो फिर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे लोग भी अनपढ़ हैं और यहाँ पे जहालत भी है, गुर्बत भी है। डॉक्टर, और सवाल मेरा फिर वही है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कमेटी बनेगी, जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट के अपनी फंक्शनरीज हैं, अमला है, वो एक जगह पे, फिर उन्होंने वॉलंटियर्स मांगे हैं जिसको टाइगर फोर्स है, तो ये अगर अमला या हुकूमती अहलकार पूरे नहीं उतरेंगे, इतने नहीं है, तो वो ये टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा कि वो घरों पे निगरानी रखें। मसला ये है कि पहले जो स्टेप है, मैं आपको जरा गिनवा दूं, प्लाज्मा में ये अभी तक नाकाम है, आइसोलेशन वार्ड के अंदर मरीज को मुतमिन करने के लिए नाकाम है, एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग्स नाकाम है, ताहाल कोई आज तक कोई एडवाइजरी ग्रुप
कोई बड़ी बात बता दे, कोई ऐसा फैसला बता दे जो उन्होंने लिया हो, ठीक है, वफात पे फेंक देते उसके पास उन्हें तदफीन का अमल नाकाम है इनका तरीकाकार। इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि खुदारा लाशों की बेहरमती ना करें, एक डेड हाउस मुख्तस करें कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए जो डेथ होती है, 24 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट आए, डेड हाउस से उसकी बॉडी निकालें, उसको इज्जत और एहतराम के साथ दफनाएं। जैसा कि पीएमए ने मुतालबा किया था कि एक शीशा लगा दें, कम से कम उसके घर वाले बाहर कुछ नहीं आता, खुद रिसर्च साबित है कि मुर्दे के साथ ही जो वायरस भी मर जाता है, तो खुदारा उसको पैक करके तो उसको शीशा लगा दे, उसके घर वाले उसका मुंह दे। सस्पेक्टेड मरीज के साथ जो ज्यादती हो रही है, बाद में रिपोर्ट आती है पता चलता है इसको तो कोरोना ही नहीं था। ना घर वालों ने देखा, ना रिश्तेदार आए, ना कोई जनाजा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन खुदारा इस पे प्लानिंग करें, तरस खाएं, 24 घंटे के अंदर आपके रिपोर्ट लाना और डेड हाउस में बॉडी रखना कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ प्लानिंग की बात है। इसी तरह आइसोलेशन में मैं कह रहा हूँ, इस वक्त लोग ज़हनी मरीज हो रहे हैं, जैसे कैद खुद एक जो है ना वो सिक्योरिटी केस है, और इस तरह और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से तो उसके लिए मैं बार बार मुतालबा कर चुका हूँ, साइकोलॉजी सिक्योरिटीज़ का बोर्ड बनाया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाए जाए, वो उनकी काउंसलिंग करें, अंदर साउंड सिस्टम लगा दिया जाए, बाहर बैठ के करें, ना बार बार अंदर जाए। तरीकाकार एक मैं समझता हूँ, एमएस और प्रिंसिपल के ऑफिस से एलईडी उतार के फौरी तौर पे उनके वार्डों के अंदर लगाई जाए, छोटे छोटे सिनेमा हाउसेस बना दिया जाए उनको, अब वहां को इनको खुशी से रहें, अगर कोई मजबी आ ये सबसे पहले तो मैं कारून साहब की तारीफ करूंगा, जो तदफीन के बारे में इन्होंने गुफ्तगू की ना वो बिल्कुल सही है। और अब टेस्ट जो है वो 24 घंटे नहीं, टेस्ट मुकम्मल हो जाता है किसी मरीज का 6-7 घंटों के अंदर, लिहाजा अगर कोई अल्लाह को प्यारा हो ही गया अस्पताल के अंदर, तो हमारे यहाँ उसका जो SOP है वो बहुत जो नारवा है, और हमारी जो मजहबी और सोशल इकदार रहे हैं, पीएमए का हिस्सा है, आप कमेटी का हिस्सा है, आप एक अच्छी पोस्ट पर है, वुजरा के साथ आपके बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट में आप उनके साथ रहते हैं, जब आप ये सब कुछ देख रहे हैं तो फिर निशानदेही क्यों नहीं कर रहे हैं? निशानदेही की हमने तो बिल्कुल निशानदेही भी हुई, लेकिन क्या करें कि हम बस वो जो हमें लिखा पढ़ा चीज मिल जाती है, हम उससे हट के ना कुछ सोचते हैं ना अमल करते हैं, ये हमारी खराबी है हमारी, कि हमें जो अंग्रेजी में लिखी हुई चीज आ जाती है किसी बाहरले मुल्क से, हम ऐन उसके मुताबिक उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हालांकि तदफीन का अमल मुसलमानों का उसका एक मखसूस तरीका है, और साइंटिफिकली भी वो जब आदमी फौत हो जाता है तो उसको बैग में डाल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, फिर उसको ताबूत में बंद किया जाता है, फिर स्प्रे किया जाता है, फिर ताबूत को बंद करके जो उसको यानी वो रवायती आखिरी कील भी ठोक दिया जाता है, तो उसमें से कोई चीज बाहर नहीं आती, कोई जरा सी बाहर, अगर उस ताबूत के ऊपर वो शीशा लगा हो जैसे आमतौर पर होते भी है, तो मरीज के लवाहिकीन को दे दे तो वो उसको अपने मजहबी इकदार और जो अब हमारे तरीकाकार है उसके मुताबिक दफना डीकम्पोज नहीं करना, हमने तदफीन करनी है एक अपने मजहब के तरीकाकार के मुताबिक, इतना खौफजदा नहीं होना कि हम अपने मजहब अल्लाह ना करे कि ये मुसलसल हमारा अमल जारी रहे कि हम उसके खौफ से नमाज छोड़ी हुई है, उसके खौफ से खाना काबा बांध है, उम्रा नहीं हो रहा, और हज का भी इस वक्त अच्छा पाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ पता नहीं है कि इस साल हज भी परफॉर्म हो पाएगा या नहीं। प्रोफेसर साहब, अस्पतालों की कैपेसिटी इस वक्त कितनी है, कितनी फिल हो चुकी है, कितनी हमारे पास जगह अभी मौजूद है कि जिसकी वजह से हम ये ताखिर कर रहे हैं होम आइसोलेशन का SOP जो है उनको तय करने में या फिर इम्प्लीमेंट करने? देखिए जी, अगर बीमारी जो है वो उस तरह से फैलती जैसे कि तवक्को थी तो फिर तो हमारे अस्पताल ना काफी थे। ये लॉकडाउन का फायदा अभी तक जो एक चीज जिसने कोई अपनी अफादियत साबित की है वो लॉकडाउन है, पूरी दुनिया इस चीज पे मुत्तफिक है कि लॉकडाउन की वजह से ही जहाँ बीमारी कंट्रोल हुई है वो लॉकडाउन की वजह से ही हुई है, घरों पे लोगों को रखने से, और यही अभी भी यही तरीका सबसे ज़्यादा मुअस्सर है और इसी पे ही अमल करना चाहिए। हस्पताल जो हैं हमारे बहुत सारे हैं और उसमें जो बेड मखसूस किए हैं उसके अलावा भी तो अस्पताल मौजूद है ना, और इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, और तकरीबन बाकी अस्पताल जो हैं अब कावीन साहब बेहतर जानते हैं कि बाकी कोई भी हॉस्पिटल आप देख रहे हैं तो बाकी अस्पताल तकरीबन खाली पड़े हैं, सिर्फ इमरजेंसियों में काम हो रहा है, आइसोलेशन का और वो सारे वार्ड जो है मखसूस किया जा सकते हैं, इसलिए ये बेड्स की तो फिलहाल कमी नहीं है, हम कहते हैं कि बेड्स की कमी है, लेकिन इसके बावजूद हमें जो एहतियाती तदाबीर है कोरोना को कंट्रोल करने की या कर्टेल करने की या एक हद में रखने की वो हमें अपना आइसोलेशन का फैसला आने वाले कितने रोज में? मेरा ख्याल 1-2 दिन में ही आ जाएगा ये शायद,
कल तक आ जाए या आज तक भी शाम तक नोटिफिकेशन उम्मीद आ जाएगा। लेकिन वफाक को चुके इन्होंने कहा है जी हमें बताएं हम क्या करें, मंजूरी इन्होंने खुद दे दी है कि आइसोलेट कर दिया जाए मरीज को घर के अंदर। तो अभी मेरे ख्याल में तो वफाक को फौरी चाहिए, ये मेडिकल इमरजेंसी है ना, इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं होनी चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी को 3 हफ्ते हो गए हैं या 4 हफ्ते हो गए उन्होंने किट अप्लाई की हुई है, 750 की किट नहीं यहाँ पे बिकेगी, यहाँ प्रोडक्ट किट चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद काजमी साहब, प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। होम आइसोलेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में फैसला हो जाएगा और यकीनी तौर पर उन मरीजों के लिए बहुत सहूलत हो जाएगी जो कि अपने घर में जगह भी मौजूद है और खुद को आइसोलेट करके अच्छे तरीके से दूसरों से दूर रह सकते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ बात करेंगे इंडस अस्पताल के हवाले से जो कि 2007 से आवाम की खदमत में पेश है, मरीजों की मदद भी करता है और इसके साथ साथ पंजाब में और सिंध में इसके मुख्तलिफ शाखें हैं। कौन कौन से मरीजों को इलाज फराहम किया जा रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, कोरोना की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इस अस्पताल को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश है, तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अशरफ शमशाद साहिबा हैं, हेड ऑफ सब्जार ब्रांच हैं, आप इंडस अस्पताल के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी वकास अहमद साहब हैं, जोनल मैनेजर हैं आप लाहौर रीजन के, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें बताइए कि पूरे पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस है और किस किस तरह से ये मरीजों की हेल्प कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंडस हॉस्पिटल की कराची ब्रांच जो करंगी क्रॉसिंग पे है कराची में, उसके अलावा हमारे सिंध और पंजाब में 12 ब्रांचेस हैं जो मुख्तलिफ मरीज़ों की खिदमत कर रही हैं, चाहे वो कहें कि सच्चा बच्चा की सूरत में हो, चाहे वो जनरल सर्जरी हो, चाहे इंटरनल मेडिसिन हो, चाहे वो नीनेटोलॉजी न्यूबॉर्न बेबीज़ का हो, इन सब को हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। बिसाइड दैट वी रन एन फैमिली मेडिसिन ओपीडी जो एक बहुत लार्ज वॉल्यूम को देखते हैं, जिस साथ देखना नहीं है हमें, उनके साथ हमें फार्मेसी एक हमारे साथ अटैच है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देता है, ब्लड टेस्ट होते हैं हमारे पास, और जब इन शॉर्ट आप कहें कि जेब में पैसे नहीं है तो इंडस अल्लाह के बाद इंडस को याद करें। ठीक हो गया जी, जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उनका बिल्कुल फ्री इलाज भी किया जाता है। वकास साहब कितने मरीज़ होंगे माहाना अगर हम बात कर लें या फिर सालाना बात कर लें कि जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? इंडस हॉस्पिटल की अभी तक जब हम बात करें तो 8 मिलियन हम पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं इंडस के प्लेटफॉर्म से, और पर मंथ हमारा जो है ऑलमोस्ट 3 लाख पेशेंट हम लोग ट्रीट करते हैं, और हमारा जो लाहौर कैंपस है जो बनने जा रहा है इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मिलियन पेशेंट जो है पर ईयर हम लोग। ठीक डॉक्टर साहब, पंजाब में कौन कौन से शहर में सहूलियात दे रहा है, लाहौर में क्या? लाहौर में सहूलियत है, 5 कैंपस है लाहौर में, एक मनावा में है, एक काना नौ में है, एक रायवंड में है, एक बेदिया में, एक सब्जाजार में, इसके अलावा MIKD मुल्तान में है और मुजफ्फरगढ़ में भी है। ठीक, अच्छा मरीजों के हवाले से हमें बताइए क्योंकि एक कोरोना की सूरत हाल है, किस तरह के चैलेंजेस हैं आजकल अस्पताल को, बिल्कुल सहूलियात? बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कहीं हमें आम नज़ला बुखार को वो कोरोना समझने लगे हैं, तो उसके लिए वो मोहताद बहुत हो गए हैं, लोड बहुत आने लगा है, उनकी काउंसलिंग किया जा रहा है, उनको स्क्रीन आउट किया जा रहा है कि, और फिर हम गवर्नमेंट को रेफर आउट करते हैं कि भाई ये लोग हैं इनको आपने जो हम सस्पेक्टेड केस समझ रहे हैं इनको आपने तशखीस करना है, डायग्नोस करना है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि इलाज मुआलजे की सहूलियात गरीब लोगों को या फिर जो भी आ रहा है उसको मुफ्त मिल रही हैं, और कौन कौन से ऐसे शोबे अस्पताल में काम कर रहे हैं, काम किया जा रहा है जहाँ पर ये दूसरे अस्पतालों से इसको मुमताज़ बना रहा है, मुनफरिद बना रहा है। माशाल्लाह हमारे पास 3 फिजिकल रिहैब एंड सेंटर्स हैं, जहाँ पे फिजिकल रिहैब सेंटर्स हैं जो मसनूए आज़ा बनाते हैं, जैसा किसी की टांग ज़ाया हो गई है, किसी का हाथ ज़ाया हो गया उनको, और 4 रीजनल ब्लड सेंटर्स हैं हमारे पे। हॉस्पिटल में जितने भी एडमिशन होते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ज़रूरत पर। उसके अलावा हमारे 41 डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्राय आउटरीच प्रोग्राम्स हैं जो
अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी केयर को डील कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं और देन हमारा कंटेनर क्लिनिक्स हैं, उसके अलावा वहाँ हमारा मोबाइल क्लिनिक्स है। जैसा वन ऑफ द टीबी का एक प्रोग्राम है जिसमें हम डोर जो एक स्क्रीन आउट करते हैं, जिसमें हम उनका पूरा लेते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, जिसमें हम देखते हैं कि उनका अगर टीबी है तो हम उनको टीबी डिक्लेयर करके उनको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हर कुछ करते हैं। ठीक है वकास साहब, 2007 से ये अस्पताल आवाम की खदमत कर रहा है, क्या विजन है जिसको साथ लेके चला जा रहा है? और डॉक्टर बारी के नई हॉस्पिटल ऐसे बनाया, उनका एक ख्वाब था कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जहां पे क्वालिटी हेल्थ केयर हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो। उन्होंने कहा जब मैंने स्टार्ट किया हॉस्पिटल तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा शायद आप ना चला पाए, कोई कहते जब आते थे जब मुझे देख के अफसोस भी होता था, कोई अपनी भैंस बेच के आता था, कोई बकरी बेच के आता था ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर उन्होंने एक अल्लाह पे यकीन रख के ये हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 के बाद अब तक इंडस एक्ना के एक्सपेंड कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज को मेंटेन भी कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आप फिजिकल रिहैब सेंटर्स की बात करी थी, उस हवाले से हमारे देखने वालों को बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी बाजू पे चोट लग जाती है, टूट जाती है, उसको उतार दिया जाता है, तो उसका ऑल्टरनेट नहीं है, आपने सारी जिंदगी माजूरी के साथ ही गुजारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह तीन सेंटर जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है कि ना एक बेदिया में है और एक कराची सेंटर है, कराची करंगी में है और एक मुजफ्फरगढ़ में है। यहाँ पे पेशेंट जो भी आता है उनको हम उनके हिसाब से उनके क्वालिटी के हिसाब से कि वो जो भी आज़ा हम लगाएं वो एक्सेप्टेबल टू दी बॉडी हो, ताकि कोई इशू ना आए और एक मोबाइल हो जाए वो बंदा, तो हम इस तरह उनको इलाज करते हैं जिस पे बिल्कुल कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, विद सेल्फ रिस्पेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वी डू दैट। ठीक वकास साहब, आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे गवर्नमेंट अस्पताल भी हैं वो भी मदद कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का, फलाही इदारों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है आवाम के लिए। आने वाले वक्त में जिस तादाद से आबादी बढ़ रही है, क्या सहूलियात मिलेंगी, मजीद अस्पताल बनाने की, ब्रांचेस बनाने की प्लानिंग्स की जा रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लाहौर का जैसे मैंने आपको बताया ये इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारा 92 बेड्स पे फर्स्ट फेज ऑपरेशनल हो जाएगा, वैसे ही हॉस्पिटल जो है 600 बेड्स पे है। इसमें हम लोग स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स, स्कूल ऑफ नर्सिंग, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सराय का कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं। बेसिकली सराय का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट आ रहे हैं उनकी रिहाइश और खाना भी। इंडस में एक दफ़ा जो पेशेंट आ जाता है उसको कभी इस वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि नहीं भेजा गया कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, बच्चे का पैम्पर क्या, बच्चे का दूध क्या, हर चीज़ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और अटेंडेंट का इवन क्योंकि आउट स्टेशन से जो लोग आते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है रहना कहाँ है, खाएंगे कहाँ से, और डिजर्विंग वंस नॉर्मली आएंगे जब फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल होगा बेसिकली। तो इसलिए हमने सराय का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि उसको एक अटेंडेंट जो वहाँ पर रहे फ्री ऑफ कॉस्ट और खाना भी वो खाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और लाहौर में जो मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं वो पूरे पंजाब से आते हैं? लाहौर में हमारे एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, पंजाब में एक मैं आपको मुजफ्फरगढ़ का हमारा मेरा एक पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे जाने का। तो वहाँ जाके मुझे एक पेशेंट से मेरी बातचीत हो रही थी, उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने इंटीरियर पंजाब का कहीं दूर काफ़ी जिक्र किया, मुझे नाम अब याद नहीं है सही से। तो मैंने कहा आप इतनी दूर से इधर ट्रीटमेंट करवाने हैं? उन्होंने कहा मेरा इधर आने का सिर्फ जो अखराजात हुए हैं ना वो कराया ही है, उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने रहना कहाँ पे है, खाना कहाँ से है, मेरा ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मुझे यहाँ पे। ठीक है डॉक्टर साहबा, किस किस तरह से लोग अप्रोच कर सकते हैं इंडस अस्पताल को? रिगार्डिंग पेशेंट केयर है तो वो ओपन डोर पॉलिसी है, ओपन डोर, हम किसी को मना नहीं करते हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो ओपीडी में आए, चाहे वो किसी सिलसिले में। और हर कैंपस में ये तमाम सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह डेडिकेटेड 24/7 कवरेज होता है। वी आर मेक श्योर कि भाई कोई नेग्लिजेंस नहीं हो। सबसे पहले जब इंसान अपने बेबसी की हालत में और बेसहारा के हालत में आता है उस वक्त हमें ये ख्याल करना पड़ता है और ये हम पर वाजिब है कि हम उनको उनकी जगह पे खड़े होकर सोचें कि कल अगर हमारे पर ये वक्त आए, जब हम किसी की तकलीफ़ को एहसास नहीं करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दी सर्विसेज जो हम चाह रहे हैं। ठीक ठीक है,
लाहौर के अलावा कौन कौन से इलाके में या फिर जहां जहां पर पंजाब और सिंध के अलावा जहां जहां पर पहले से कैंपसेस मौजूद हैं, मजीद कहां कहां बनाने का प्लान किया जा रहा है कि यहां यहां बहुत जरूरत है? जरूरत तो पूरे पाकिस्तान में ही बेशक है, लेकिन हाँ। हमारा ये प्लान है कि हम लोग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि हम लोग कंटेनर क्लिनिक्स भी चला रहे हैं, प्राइमरी केयर सेंटर्स भी चला रहे हैं, मोबाइल यूनिट्स भी हैं और आउटरीच प्रोग्राम्स भी हैं हमारे, उसके थ्रू हम लोग छोटी सिटीज़ को या छोटे जो गांव हैं वहाँ उनको वहीं पे कवर किया जाए ताकि बिग सिटीज़ पे इतना प्रेशर ना आए। ठीक है डॉक्टर साहब, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं ये फोरम का ये फ़ायदा उठाते हुए कहूँगी कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो जो ज़कात सदका ज़कात जो भी आप लोग दे रहे हैं इंडस हॉस्पिटल को दें, और आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वकास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंडस अस्पताल को भी ज़रूर याद रखना है जब भी आपने अपने ज़कात और अतियात देने हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो आपकी ज़कात के अतियात के मुंतज़िर रहते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।